ऑप्शन देख लेते हैं 10 नंबर, उसके बाद ये तो आप आसानी से एक्सरसाइज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ चुके हैं। आपको नाइन्थ जैसे क्लास में जैसे बनाते थे ना सरल रेखा का ग्राफ, है ना, सरल रेखा जो बनाते थे आप लोग ग्राफ में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनाते थे, उसी तरह यहां भी बनाना है। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, है ना, दिए गए असमिका के संगत समीकरण, तो क्या हो जाएगा यहां से 2x बराबर 6 माइनस 3y, समझ गए। चाहे तो मन करे तो इस 3y को इधर लेके चलिए, हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 6। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इसके दो हल कम से कम चाहिए ना, तो दो हल यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे इसके दो हल सबसे पहले निकालेंगे। तो आपको पता ही हल कैसे निकालना है, यहाँ देखिए x, यहाँ y, एक बार x के जगह जीरो रखिए, तो जीरो रखिएगा तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना जाएगा 2 ना, फिर अब की बार y के जगह जीरो रख दीजिए, तो जब y जीरो रखिएगा तो जीरो में 3 से गुणा होगा जीरो, बच जाएगा 2x बराबर 6, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब चलिए इसका ग्राफ खींचिए, चलिए तो इसका ग्राफ खींचते हैं, ये रहा x और ये रहा y, तो यहाँ लिख देंगे ना, ये x है, इधर x डैश है, ये y है, और नीचे आपका वाई डैश है। आपको यहाँ बिंदु को लेना होगा, 1 2 3, ये तो बराबर बराबर दूरी पे होते, ये भी याद होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, माइनस वाले से कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि माइनस में इसमें कोई वैल्यू नहीं आया। चलिए अब इसमें x का 0 और y का 2, तो x का 0 y का 2 ये बिंदु होगा, अच्छा x का 3 और y का 0, x का 3 y का 0 ये हो जाएगा। अच्छा दोनों को रेखा मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे कि बताइए कि रेखा जो होगा डॉटेड होगा कि डार्क होगा, तो आप कहिएगा कि सर रेखा डार्क होगा, रेखा डार्क इसलिए होगा क्योंकि यह 2x जो है लेस देन है और इक्वल टू भी है ना, इसलिए ये डार्क होगा, लेस देन और इक्वल टू का भी सिंबल, इसलिए डार्क होगा। अब क्या करना होगा कि 0 0 पर देख लीजिए, 0 0 जो है यानी कि मूल बिंदु जो है इसके इधर है ना रेखा के इधर, 0 0 पर असमिका, 0 0 पर असमिका, तो चेक करेंगे इस असमिका में रख के 2 × 0 है ना इज लेस देन और इक्वल टू 6 − 3 × 0, तो ये हो गया 0, यहाँ इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये भी तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ कह रहा है कि 0 क्या छोटा है 6 से, ये सत्य दिख रहा है ना, ये कथन जो है आपका सत्य है, 0 छोटा है ना, 0 6 से छोटा है, ये सत्य हो रहा है, तो सत्य हो रहा है तो क्या करेंगे, तो जो बिंदु होगा उसी के न दिशा में छायांकित करेंगे, यानी कि मूल बिंदु था तो मूल बिंदु के दिशा में, मतलब ये वाला इसका हल क्षेत्र हो जाएगा पूरा, यह इसका हल क्षेत्र होगा क्योंकि यह मान इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये आपको क्लियरली 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप अब आसानी से हर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज आप लोग वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके ना दोस्तों में शेयर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।